देखिए, इस मिट्टी को सोना बनाने वाले इन हाथों की कदर कौन कौन जानेगा। आज हम देखिए खुद चेक करने वाले हैं, जो इस मिट्टी से ये तैयार करते हैं कुम्हार घर में, क्या ये इतनी मेहनत करने के बाद, मैं इसको एक शेप दे के देखता हूँ क्या ये देगा या दे पाएगा या नहीं। और ये देखिए, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, और ये देखिए क्या बन रहा है ये। और ये देखिए, आज की जो हम जनरेशन है, ओ भाई साहब, और ये देखिए इसका कड़ा बना, ओ ये तो और ही कुछ बन गया। ये देखिए, ये तो मैं खुद बना के देख रहा था और ये कुछ और ही बन गया। यानी कि इन आज जो हमारे हाथ हैं और जो पुराने टाइम के हाथ थे, इनकी कदर कितनी कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि लोग जो ये हाथ से बनाते हैं, देखिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, और लोग कहते हैं भाई मिट्टी की क्या, कुछ नहीं समझते इनको। कई बार तो इनके पास भी लोग आते हैं तो कहते हैं मिट्टी का ही तो बर्तन है, आप इतने पैसे लगा रहे हो। लेकिन पैसे की बात नहीं है दोस्तों, बात है कदर की। इनके जो हाथों पर कदर है, जो इनके हाथों में जादू है, ये देखिए ध्यान से देखिए कितनी कड़ी मेहनत लग रही है कि पिक्सल को बनाने में। अब इनके हाथों को ध्यान से देखिए, उम्र को देखिए, 50 साल की उम्र हो चुकी है। और माता जी कितनी उम्र होगी आपकी? 70-80 साल? ना, 80 साल तो नहीं है मेरी, 65-70 साल की तो माता जी भी हो चुकी हैं। और वो बचपन से देखते आए हैं यहाँ पे इस तरह के मटके बनाए जा रहे हैं। और इन हाथों की कदर क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बना के देखा, मेरे से नहीं बना। और इन हाथों में देखिए, और इनकी आंखों को देखिए, बिल्कुल आंख के एक एक पिक्सल को देखिए, आंख का एक पलक भी नहीं झपक रहा है अपनी इस कष्टकारी को करने में। और लोग कहते हैं कि भाई मिट्टी है, अरे मिट्टी तो सभी है, लोग मिट्टी को पैरों पे चलते हैं, लेकिन मिट्टी पे चलना ही काफी नहीं है। मिट्टी को उठा के एक आकार देना, और उसको बर्तनों में भी यूज करते हैं आज के टाइम में। और ये देखिए कितनी अच्छी कलाकारी है इनके हाथ की। ये देखिए धागा लिया इन्होंने, ये देखिए धागा लिया और ये चला दिया, और ये एक ही झटके में इसको निकाल दिया। अब ये इस तरह से उठा के रख देंगे। अब और क्या बनने वाला है देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अब इन हाथ के हाथों में क्या जादू है जिससे सोना बनाते हैं। यानी कि अब ये देखिए नॉर्मल मिट्टी थी, और इनके हाथ ध्यान से देखना, और ये पानी में डुबोया और ये लिया, और ये हाथ को ये देखिए एक आकार दिया। अब इस आकार के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा इनके हाथों में कितना। ये देखिए एक एक पैसे जमा करने वाली गुल्लक, ये देखिए पैसे जमा करने वाली गुल्लक। और माता जी ये दिखाइए, और ये देखिए, और ये देखिए, यानी कि हाथ में ही छुपा है इनके सारा कुछ जादू। अभी मैं आप इनके हाथ भी दिखाऊंगा सर, कितनी मेहनत लग रही है। बहुत मेहनत रहती है भाई, कितने घंटे काम करते हो? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे लगे रहते हो ऐसे ही बैठ के? बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, नहीं तो लगे रहते हैं। और ये देखिए आकार दे दिया दे दिया दे दिया, और ये देखिए क्या बना रहे हैं। अभी आपको फाइनली दिखेगी, और ये अभी मैं इनके हाथों को भी दिखाऊंगा। मेरे हाथ देखिए, इनसे नहीं बन पाया था, और इनके हाथों में क्या जादू है जिससे फाइनली ये सोना, यानी कि इतने कीमती मटके और ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिनमें इनको हम घर में प्रयोग करते हैं। और ये देखिए क्या बना दिया इन्होंने, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए शेप कितनी कितनी प्यार से और शांति से, इतना पेशेंस रख के एक एक पिक्सल को ये तैयार करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना होता है। और देखिए इनकी उम्र आज है, काफी उम्र के हो चुके हैं, 50+ बता रहे हैं, उनकी उम्र 50 के आसपास है। और देखिए माता भी काफी टाइम से इनको देखते आ रहे हैं। और ये देखिए ये इन्होंने बनाया है। अब इनके हाथों को हम दिखाएंगे, जिनमें
सर दिखाइए थोड़ा आपके हाथ, और ये देखिए इनके हाथ देखिए, इसकी सेम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हाथ इतने काम कर करके थक चुक जाते हैं, ये देखिए कंधे दुख जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं ये मजदूर जो कि कुम्हार लोग होते हैं। ये बहुत ही टाइम से कड़ी मेहनत करके परिश्रम करके खाते हैं, और लोग ज्यादा से ज्यादा इन बर्तनों को खरीदे ताकि इनकी मदद हो सके। और कौन कौन आज के बाद इनके हाथों की कदर करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और इसकी कदर करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देते हैं मिट्टी के मटकों में पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल मिट्टी है, मिट्टी में एंटीऑक्सीडेंट होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। देखिए इन हाथों में है ये जादू। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, और भी लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि इन हाथों की कलाकारी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्राकृतिक है। देखिए अलग अलग प्रकार के इन्होंने यहाँ पे ये मटके बनाए हैं उन्हीं हाथों से, ये इतने सारे मटके तामझाम बनाए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बर्तन, और ये देखिए छोटी छोटी औजार इंस्ट्रूमेंट कुछ कुछ बना रखे हैं। इन्हीं हाथों की वजह से आप लोग ठंडा पानी पी पाते हो मटके का। अब मैं इनके फाइनली हाथ दिखा के आपको कहना चाहूंगा, ये देखिए। इसलिए दोस्तों इनके हाथों की रिस्पेक्ट करें और मटके खरीदें ताकि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके और मिट्टी के ज्यादा से ज्यादा बर्तन इनसे खरीदें। थैंक यू।